मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री राशन अपने द्वारा योजना शुरू करेगी। ये जो आगे आगे की चीजें हैं इनको तो अब तुम देख लेना क्या है, पर ये है कि यहीं से क्वेश्चन बनाता है वो 10 क्वेश्चन है ना, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री है ना, तो पूछ लेगा मुख्यमंत्री राशन योजना कहाँ है, ये देख लेना अपना ना। अक्टूबर को मनाया गया, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस है, 72वीं GD, ठीक है। ये लॉन्च किया है कौन सा सैटेलाइट है, सौर अन्वेषण उपग्रह चीन ने लॉन्च किया है, ठीक है। इनको तो क्या, ये तो ऐसी है सबकी चीज़ें, ठीक है। ये लिख लेना, ये क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना, आंसर लिखना। पुलिस स्मृति दिवस मैं भूलता जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी अपना एक ध्यान से सुनना और लिख लेना ना। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, 21 अक्टूबर 1959, ये जो है ना, 21 अक्टूबर 1959 को चीन ने अटैक किया था लद्दाख में, तो वहाँ पे जो शहीद हुए उनकी याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, याद रखना, लिख लेना 21 अक्टूबर को, ठीक है जी, है ना। ये लिख लेना यहाँ पे, भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक जनक किसे कहा जाता है, कार्निवल्स, एक जनरल था उसे बोलते हैं कार्निवालिस, जिसने पुलिस व्यवस्था लागू की थी इंडिया में, और उसे ही सिविल सर्विस, जो IAS का पेपर होता है ना, ये क्वेश्चन आता रहता है कि सिविल सर्विस का जनक किसे बोलता है, तो कार्निवालिस को बोला जाता है, ये लिख लेना। चोरी चोरा चोरा चोरी घटना किससे संबंधित है, चोरा चोरी घटना संबंधित है 1922 में, कहाँ पे हुई थी, गोरखपुर में हुई थी, फरवरी, कितने फरवरी को हुई थी, असहयोग आंदोलन इसके बाद खत्म हो गया था, लिख लेना। पुलिस ये मत लिखना, कुछ को जरूरी नहीं है, ये लिख लेना। विभाजन विभाजन पीस का दिवस कब मनाया जाता है, 14 अगस्त को, 15 अगस्त को आजाद हुआ था, 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग हुआ था ना, तो उसकी याद में विभाजन पीस का दिवस मनाया जाता है 14 अगस्त को, ठीक है। और ये क्वेश्चन लिख लेना, पुलिस सुधार, पुलिस में जो सुधार होता है ना, वो कौन सी समिति बनाई गई थी पुलिस में सुधार के लिए, तो प्रकाश सिंह समिति बनाई गई थी, इसे लिख लेना, ठीक है। आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन याद, ये क्वेश्चन लिख लेना। मुख्यमंत्री राशन अपने द्वारा योजना शुरू करने की घोषणा की है, मध्य प्रदेश ने किया है ना, मुख्यमंत्री राशन अपने आपके द्वार, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, तो और किसके लिए की है, जनजाति परिवार के लिए की गई है, और कुछ फालतू लिखना नहीं है। क्वेश्चन लिखना, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश, बस और कुछ नहीं लिखना, और यूँ लिख लेना जनजाति परिवारों के लिए की गई है, बस बात खत्म, इतना ही क्वेश्चन आता है, और आगे डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। घर घर औषधि योजना राजस्थान की है, घर घर औषधि योजना है ना, औषधि योजना, इसमें तुलसी का पेड़ा, गिलोय है ना, ये चीजें हैं, मतलब घर घर में ये बांटे जाएंगे। अभ्युदय योजना याद रख लेना, अभ्युदय, अद्भुत, ये सब ऐसे नाम लेके आए यूपी वाले है ना, तो याद रखना अभ्युदय योजना, फ्री कोचिंग है यूपी में, ठीक है। और ऐसी योजना राजस्थान में भी चल रही है, अनुप्रीति, कितना प्यारा नाम है, अनुप्रीति है ना, अभ्युदय, अभ्युदय है ना, याद रखना इनको। उज्ज्वला 2.0 कहाँ से, ये LPG गैस के लिए 10 अगस्त 2021 महोबा से स्टार्ट की गई है। और जो उज्ज्वला योजना है वो याद करना, कहाँ से की गई है, बलिया से, बलिया गांव से, यूपी में ही है वो भी। अब इसको कैसे याद रखोगे कि उज्ज्वला, उज्ज्वला पहले जो पहली वाली उज्ज्वला है ना, तो वो कहाँ कहाँ से की गई है, बलिया, बलिया में बी पहले आता है, ए और बी, तो उज्ज्वला बी मतलब पहली वाली, तो बलिया, दूसरी वाली MP से आता है, तो उज्ज्वला 2.0 महोबा यूपी से है ना, ठीक है ना। डेट याद कर लेना, ये 2021 में है, वो 2016 के समथिंग की है, मुझे डेट याद नहीं है, पर याद कर लेना, ठीक है ना। ग्राम उजाला योजना आरा बिहार, ग्राम उजाला भाई, बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है, गांव है पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ पर उजाला करने के लिए ग्राम उजाला योजना, LED वितरित की थी, LED, 2 फ्री LED मिली थी, तो बिहार से चालू है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, जो भी अच्छे काम होंगे ना, जो भी अच्छे वो साउथ में होंगे, क्योंकि वहाँ पे पढ़े लिखे ज्यादातर अच्छे हैं, तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई मतलब ड्रोन से मेडिसिन पहुँचाना, वो तेलंगाना सरकार का है। अंकुर योजना, सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है, MP में, तो अंकुर योजना वृक्षारोपण से है, कहाँ से, MP से, तो ऐसे रिलेट करके पढ़ना है, वो लिख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लेना कि 72वीं इंटर सर्विस फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती, वायुसेना। अब भाई इसको कैसे याद कर सकते हैं, सबसे ऊपर कौन रहता है, वायुसेना,
बहुत मतलब ऊपर से ही मार गिराती है या फिर ऊपर से ही नीचे आने की जरूरत नहीं है, और जो ऊपर रहता है वही सब सबसे ज्यादा अच्छी होती है। तो ये इसने जीती थी, भारत वायुसेना ने जीती है ये, है ना। इसमें ये जो तीन ग्रीन है ना, आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन, नेवी, इन्होंने भाग लिया। और आर्मी रेड और ये एयर फोर्स में वो हुआ था फाइनल मैच, तो ये जीत गया। ठीक है, तो अब इनको याद याद कर लेना, इनके डे डे याद कैसे कर सकते हैं। पहले सबसे पहले आ रहा है थल थल सेना, तो थल सेना का कब है, 15 जनवरी को है शायद, है ना। तो थल सेना सबसे छोटी मतलब नीचे, थल सेना मतलब थल की है, तो सबसे पहले जनवरी आती है, तो 15 जनवरी को ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आता सबसे ऊपर, भाई नीचे थल आ गया वायुसेना, तो ये 8 अक्टूबर को आता है ना। ऊपर वायुसेना होती है, तो ये कितने को आता है, 8 अक्टूबर को आता है। ठीक है, अब बच गया जल, जल कितने को आता है, 4 दिसंबर को आता है। तीनों चीज याद होगी, सबसे पहले थल, भाई थल पे रहते हैं, तो 15 जनवरी, 15 जनवरी है, 14 जनवरी है, शायद 15 जनवरी है। फिर दूसरा ऊपर चले गए, तो कहाँ पे याद हो गया, 8। अब ये तो याद रखने पड़ेंगे, 5, 15, 8, है ना। फिर आता है 4 दिसंबर, 4 दिसंबर क्या, जल वाला, तो ये याद रख लेना तीनों ना। और ये लिख लेना कि ये किसने जीता, 72वीं इंटर सर्विस फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती ना। फिर ये फोटो है, देख लेना, देखो कैसे फोटो खिंचा रहे हैं, है ना। देखो एयर वाले जो सफेद सफेद उसमें है, ये एयर वाले हैं, है ना। ये याद रख लेना, यूरो कप, जो यू भाई क्या होता है कि जो यूरो यूरोप महाद्वीप है ना, उसकी टीमें लड़ती हैं इसमें। तो यूरो कप इसमें पुर्तगाल, है ना, ब्रिटेन वगैरह, ये सब सब होता है। तो ये किसने जीता, इसमें इटली ने जीती थी और इंग्लैंड उपरो जीता था, याद रख लेना। यूरो कप चलता फिरता क्वेश्चन पूछ लेगा, यूरो कप में उपविजेता कौन था, तो उपविजेता इंग्लैंड था, है ना, और इटली इसका फाइनल विजेता था। ठीक है, हाल में कोपा कप, ये कोपा होता है अमेरिका साइड, अमेरिका, अब मैप में भी ध्यान आना चाहिए अमेरिका किधर की साइड है, अमेरिका, है ना, कोपा अमेरिका। तो ये किसने जीता, ये अर्जेंटीना ने जीता था, अर्जेंटीना। अब इसे ऐसे भी याद कर लेना, अर्जेंटीना में ब्राजील उपविजेता था, तो सबसे, और जो अर्जेंटीना में जो सब कप्तान था ना, जो दो ही पटोल में दो दो आदमी सबसे ज्यादा वो रहते हैं, तो अर्जेंटीना में कौन है, लियोन मेसी है, लियोन मेसी, ठीक है, माय फेवरेट लियोन मेसी है अर्जेंटीना में। और जो एक रोनाल्डो का नाम भी आता है कभी कभी, तो वो क्या है, वो पुर्तगाल में, वो यूरो कप खेला था उन्होंने, पर वो हार गई थी, वो पुर्तगाल जीती नहीं, जीती नहीं, है ना, तो वो हार गई थी। तो रोनाल्डो, क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा अभी अंतरराष्ट्रीय गोल किसने सबसे ज्यादा किए हैं, तो रोनाल्डो ने किए हैं। रोनाल्डो बहुत मेहनती लड़का है ना, तो मतलब, और जो मेसी है वो गॉड गिफ्टेड है, उसे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है और वो कर देता है गोल अपने आप ही, है ना। तो रोनाल्डो याद रखना, पुर्तगाल में 110 किए हैं, याद रखना। ठीक है, ठीक है, अब देख ये जरूर लिख लेना यहाँ से, ये जो मैं, ये डूरंड कप किससे है, ये फुटबॉल से है, ये एफसी गोवा ने जीता है। ठीक है, इतना ही लिखना, डूरंड कप कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ था, एफसी गोवा ने जीता। संतोष ट्रॉफी किससे है, फुटबॉल से है, मोहन बागवान क्लब कोलकाता से, कोलकाता में है। ठीक है, ये किससे है, संदेश झिंग का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल ऑफ द ईयर है ना, तो ये लिख लेना बस। ये क्वेश्चन, ये लिख लेना, ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि माउंट ऐशु ज्वालामुखी कहाँ पे है, जापान में है। तो सर ने क्या बताया, देखो ये जो ये कर्कश घूम रहा है ना इधर उधर, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये नीचे से जो निकलता है उसे बोलते हैं लावा, धरती के ऊपर आ जाता, नहीं नीचे से भी, नीचे जो गर्म चीज होती है उसे बोलते हैं मैग्मा, जो धरती के ऊपर आ जाता है उसे लावा बोलते हैं, जब ये भाई कटोरा टाइप बन जाता है इसे क्रेटर बोलते हैं, और ये बड़ा भाग ले लेता है तो कोल्डेरा बोलते हैं इसे, बस ये चीज याद रखनी है। तो ये जापान में है, ठीक है, जापान को सूर्य उदय का देश भी बोलते हैं, निपन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और सबसे जो एक इस यहाँ पे क्यूस द्वीप पाया जाता है, जो सबसे बड़ा द्वीप है, यहाँ पे विस्फोट हो गया जापान में, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा माउंट ऐसो ज्वालामुखी किस देश में है, या फिर अभी जापान में फिलहाल में एक विस्फोट हुआ है ज्वालामुखी में, उसका नाम क्या है, माउंट ऐसो ऐसे भी पूछ लेगा। टोक्यो राजधानी है, तो ये
ये होंसु द्वीप पे है, होंसु द्वीप है ना, लिख लेना इस चीज को। ठीक है, आगे आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या है, आगे क्या है, माउंट श्यूवियस इटली में है, माउंट एटना इटली में है, लिख लेना इनको और पढ़ते रहना। रोम में है, इटली की, इटली रोम, ठीक है। माउंट कोटेप्सी इक्वाडोर में है। स्ट्रोम्बोली वोल्केनो भूमध्य सागर का, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। बैरिन आइलैंड, ये याद रख लेना, अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ज्योग्राफी में पढ़ाया भी होगा। माउंट मेरपी इंडोनेशिया में है। माउंट सीनाबोंग इंडोनेशिया में है। मोनालाउ वेलकिना हवाई यूएसए किलौआ, ठीक है, लिख लेना इनको एक बार पढ़ लेना। लिखने के बाद एक बार पढ़ लोगे तो दिमाग में थोड़ा सेट हो जाएगा, फिर हर एक दो दिन में जैसे आगे का करो तो एक दो दिन पीछे का कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। ट्रूथ सोशल, ये सोशल मीडिया, बस इतना ही करना, ट्रूथ सोशल, और सोशल से हो गया तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जो डोनाल्ड ट्रम्प था ना, अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प, उसको क्या बैन कर रखा है फेसबुक ने भी ट्विटर ने भी। अब वो ट्वीट कहाँ पे करे, अपनी बात कहाँ पे कहे, तो उसने अपने ट्रूथ सोशल लॉन्च कर दिया, तो भाई अब वो सोशल मीडिया हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ट्रूथ सोशल, ठीक है। जो जोगा जो सोशल मीडिया किसका है, बांग्लादेश का है ना, है ना। बस ये ट्राई का क्या है, ट्राई का कम, ये कम आवाज करने वाला एक हथियार है, तो त्रिची काबियान इसका फुल फॉर्म है। बस इसको बस नॉर्मल नॉर्मल एक एक लाइन में लिखना है। गुलाब क्या है, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में गुलाब है, गुलाब पाकिस्तान ने नाम रखा था। उष्ण कटिबंध चक्रवात है, अभी चक्रवात आया था तो वहाँ पे नाम लिखा था, ठीक है। अब नार लेक क्या है, ये क्या है, कूटा अरब नार लेक, ये सबसे उत्तरी ध्रुव है, याद रखना। इसका स्ट्राइकर क्या है, ये ड्रोन है, ये खुद ही लक्ष्य ढूंढता है और फिर उसे नाश्ते नाबूद करता है। ये स्काई, स्काई मिस आकाश, स्ट्राइकर मिस हमला, तो जो आकाश से हमला कर सकता है तो ड्रोन ही करेगा ना, ये नाम से याद रखना, है ना। ये 60 दिनों के लिए आपातकालीन घोषित किसने किया, इक्वाडोर ने किया, याद रखना। इक्वाडोर ने क्यों किया है, क्योंकि वहां पे नशीले पदार्थ, ड्रग्स, तस्करी, ये होती थी, तो राष्ट्रपति ने वहां पे 4 दिन का आपातकाल लगा दिया कि भाई ये कम हो जाए। तो कौन सा देश है, इक्वाडोर है। डायरेक्ट ये लिखना है कि पूरा इतना नहीं, बट ये अपराध के लिए लहर में चलते हुए 7 दिनों के लिए आपातकाल घोषित किसने किया, इक्वाडोर ने। खाद्य, वही किसी में खाद्य के लिए कम के लिए किसने आपातकालीन किया, श्रीलंका ने किया, ऐसे याद रखना, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो ये जो देखो, ये कर्कश देखना, ये यहाँ पे ये इक्वाडोर है, ठीक है, ये याद रखना। तो सभी परीक्षाओं के लिए ठीक है। द्वीप समूह प्रशांत इक्वाडोर में, गेलापोस द्वीप समूह किस द्वीप में, जो यहाँ पे है ना, यहीं पे गेलापोस द्वीप समूह है, ठीक नहीं, ये वाला जो ये हरारा दे रखा है ना, ये है इक्वाडोर ना। बस यहाँ पे जो जो डार्विन था ना, डार्विन वैज्ञानिक जिसने कुछ वो किए थे, वो यहीं इक्वाडोर पे किए थे उसने, ठीक है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पे, पेरू चील में स्थित है आटाकामा, ठीक है। पेटोगोनिया, ये जो है ना नीचे वाला, ये पेटोगोनिया, ये अर्जेंटीना का, ये अर्जेंटीना है, यहाँ पे पेटोगोनिया मरुस्थल है, ठीक है। अर्जेंटीना, अब देखो अर्जेंटीना नाम आ गया, अब अर्जेंटीना नाम आ गया, अब देख ये साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, सेंटर अमेरिका यहाँ पे, अब अर्जेंटीना नाम आ गया। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ने कौन सा कप जीता है, कोपा अमेरिका कप जीता है। अर्जेंटीना का सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है, लियोन मेसी नाम है, ठीक है। दूसरे नंबर पर गोल करने में लियोन मेसी है, पहले नंबर पे कौन है, रोनाल्डो जिसने 110 किए हैं, दूसरे नंबर पे मेसी है जिसने 77 किए हैं, और तीसरे नंबर पर कौन है, अभी सुनील छेत्री, इंडिया का सुनील छेत्री जिसने तीसरे नंबर पे है, याद रखना, है ना। ये आपातकालीन घोषित कर दिया, ठीक है। ये खाद्य आपातकालीन किसने किया, श्रीलंका ने कर दिया। 352 आपातकालीन क्या है, 352 धारा लगी, तो राष्ट्रपति है ना, और 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय है ना, तो राष्ट्रीय आपातकालीन, ठीक है, 352, ठीक है, लिख लेना इसे। ये क्वेश्चन आता रहता है, वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार घोषित किया गया, तो 0 बार, एक भी बार भी वित्तीय कालीन घोषित नहीं किया गया, ठीक है।
मूल, अब ये क्या किन किन आधारों पे लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल? तीन मूल संविधान में तीन तरह के, युद्ध हो गया किसी से तो आपातकाल लगा सकते हैं, बाहरी आक्रमण हो गया तो लगा सकते हैं, और जो अंदर आंतरिक अशांति हुई ना तब भी लगा सकते हैं। पर 44 में अनुच्छेद 1973 संशोधन है ना, उसके तहत सशस्त्र विद्रोह कर दिया, आंतरिक अशांति है ना उसको करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया कि सशस्त्र विद्रोह होगा अंदर तो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये याद कर लेना, यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 में दिया गया। अब यूनेस्को कल यूनिशेप करवाया था सर ने ना, तो उसे पढ़ना, यूनिशेप पुरस्कार दिया कुन फुन को। ये क्या करता है, ये हिमालय क्षेत्र में युवा लड़कियों को वो सिखाता है, क्या सिखाता है, मार्शल आर्ट सिखाता है। तो यूनेस्को ने इसे मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार दिया गया कुंग फुन। ठीक है, ये है मार्शल आर्ट सिखाता है। ठीक है, विश्व बैंक का सलाहकार किसे किया गया? रणजीत सिंह डिसाले को किया विश्व बैंक का सलाहकार, जो इसे ग्लोबल टीचर, कोई पूछे ग्लोबल टीचर का पुरस्कार किसे लगाया, रणजीत सिंह डिसाले। अब याद रखना है ना, रणजीत, जम्मू कश्मीर, जब 1947 में जो जम्मू कश्मीर को इधर मिला रहे थे अलग, तो उस टाइम पे राजा कौन था, रणजीत सिंह। उसने उसके मन में तो ये था कि मैं इधर भारत की तरफ मिल जाऊं, पर जो वहां की जनता थी वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान की तरफ मिल जाएं, कुछ ऐसा था। तो वहां का राजा कौन था, रणजीत सिंह, याद रखना ना। किसी समिति का सिफारिश पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई है, ये क्वेश्चन याद रखना। जैसे शिक्षा नीति अब चेंज की गई है ना, वो कस्तूरी रंगन समिति द्वारा की गई है, पहले अभी चेंज की गई है तो कस्तूरी समिति है, लिख लेना। एक कलरियापट्टू अकादमी, तो ये केरल का मार्शल आर्ट है, कलरियापट्टू है ना, इसे याद रखना। थांगटा किसका है, मणिपुर का मार्शल आर्ट है, एक एक लाइन में लिख लेना ना। चीन ने सीए लॉन्च किया है, अन्वेषण, सौर अन्वेषण उपग्रह, सीए नाम भी कैसा है, सीए है ना, तो ये याद रखना। इसका अर्थ होता है सूर्य देवी, सूर्य की देवी, चीन है ना, सूर्य अन्वेषण उपग्रह है ना, ये याद कर लेना, और कुछ नहीं है। जुरोंग क्या है, एक जुरोंग, ये मंगल ग्रह पर चाइना ने एक रोवर है ना, तो इसका अर्थ क्या है, प्राचीन अग्नि देवता, तो जुरोंग मंगल, ये याद रखना। ये रोवर है, ये रोवर है, रोवर बोलते हैं, दो भाग होते हैं, एक एक लैंडर होता है, एक रोवर होता है, तो जुरोंग एक रोवर है। जैसे चंद्रयान अपने भेजा था ना, तो वहां पे कौन था, एक एक तो रोवर था, एक लैंडर था, एक विक्रम लैंडर था, और एक और मुझे रोवर का ध्यान नाम नहीं आ रहा, उसे जैसे आएगा तो बता देंगे। इनविजन सेटेलाइट का संबंध किससे है, शुक्र से है, यूरोपियन स्पेस ने भेजा है ना, शुक्र पे भेजा था यूरोपियन, तो इनविजन का। ठीक है, लिख लेना। इंजुटी का है, हेलीकॉप्टर है, ये मंगल ग्रह पे भेजा, ये परसिवरेंस रोवर गया था इसके साथ, तो इंजुटी हेलीकॉप्टर भेजा था मंगल ग्रह नासा ने। पार्कर सोलर प्रोब मिशन क्या है, नासा द्वारा सूर्य के सबसे नजदीक भेजने वाला उपग्रह है पार्कर सोलर। ठीक है, आदित्य L1 का संबंध, आदित्य किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है, इसरो ने भेजा था, मतलब भेजेगा, अभी भेजा नहीं है, आदित्य याद रखना, आदित्य सूर्य है ना, आदित्य L1 इसरो, इसरो से संबंध है। ठीक है जी, ये क्या कह रहा है, ये यार छोड़ो सब, कुछ नहीं आएगा, बस ऐसे थोड़ा नॉर्मल एक शब्द में लिख लेना, भास्कर सप्ताह, वो राज्य का आधिकारिक कैलेंडर के रूप में घोषित किया गया है, असम, यही काम करते रहते हैं, कोई जरूरी नहीं है, इतने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे यूँ लिख लेना, एक बार दिमाग में रखना, भास्कर रा शब्द कैलेंडर असम ने है ना, असम असम सबसे असम असम ऐसे दिमाग में साइकोलॉजी घूम जानी चाहिए, असम क्या ए से है ना, तो ये ए से है, सबसे आगे है, तो हाँ ये फालतू की चीजें करता है, तो इसने भास्कर, कोई कैलेंडर वैलेंडर का आ जाए तो हाँ यार किसने किया, सबसे आगे कौन रहता है इसे फालतू कामों में, असम है ना, तो असम का याद रखना, असम की जो GI टैग है ना, असम ऐसे फालतू कामों में आगे रहता है, तो असम ने जूडीमा राइस, जो जूडीमा वो होती है ना, उसे GI टैग दिया, जो दारू होती है, शराब, जूडीमा जूडीमा शराब है उसका नाम है ना, तो उसे GI टैग दिया, तो ये फालतू ही तो काम है, तो कौन करता है, असम, ए पे नाम है उसका, आगे आगे का यही काम करता है। ठीक है जी, है ना, ये।
इसका कौन, इसका मुख्यमंत्री कौन है असम का? लिखा होगा सर खान ने, कौन है? लिखा नहीं है अभी, आ जाएगा आगे कहीं। ठीक है, अजंता नियोग किसकी? पहली वित्त मंत्री असम की, है ना, अजंता नियोग। अब याद रखना अजंता, अजंता जैसे अजंता नियोग किसकी वित्त मंत्री है? पहले जेनेट येलेन यूएसए की है। बगरुम्बा और सत्रिया राज्य नृत्य किसके हैं? क्लासिक डांस बगरुम्बा और सत्रिया असम के हैं, लिख लेना है ना, याद रखना। देखिए रहा असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत कुमार बिस्वा, गदा कहीं का हेमंत कुमार बिस्वा, याद रखना। ठीक है, ओरों, अब याद रखना ओरों, देख ओ से ओरों, ओरों राष्ट्रीय उद्यान है ना असम में, असम में सात है, याद रखना। नामेरी, काजीरंगा, रायमोना, डिगब्रू, मानस, देवीपटकन, जो अभी नया बन, नया नेशनल पार्क बना है, और ये आरों। ठीक है, याद रहेगा नाम दोबारा, अपने जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलना अपने मन जोर से या मन में। नामेरी, काजीरंगा, रायमोना, डिगब्रू, मानस। काजीरंगा किसके लिए? गैंडों के लिए प्रसिद्ध है ना, याद रखना। देहिंग पट गई, आरों ये अभी भी लिखा है वहाँ पे, वो पढ़ना एक बार। अब जैसे ये आ गए ना राष्ट्रीय उद्यान, आप यहाँ पे आ गए आज की करंट में, तो इनको अपने जहाँ पे तुमने करंट लिख वहाँ पे लिख रखा है, तो पन्ने पलट के फिर 5 मिनट लगेंगे वीडियो को पॉज करके उनको पढ़ लो। ठीक है, उनको उनको पॉज कर लो। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग टू, राष्ट्रीय जलमार्ग टू ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन, अब ये तो छोड़ो, क्वेश्चन क्या आता है? मांझली द्वीप किस पे बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी पे बनता है। ठीक है, तो ठीक है देखो ये दे दिया जीआई टैग, जुड़ीमा राइस वाइन शराब, असम ने को जीआई टैग दिया ना। ठीक है, असम इस तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। ठीक है, लोहित नदी पे एक पुल बना हुआ है, लोहित नदी पे भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका है ना, याद रखना। ठीक है, ये आईएमएफ ने मना कर दिया भाई, लो अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये सरकार के पास पैसे तो रहते नहीं है, तो ये उधार लेते हैं इधर उधर से, तो इसने आईएमएफ, आईएमएफ याद रखना, जो पैसे से रिलेटेड है ना उसके सबके मुख्यालय कहाँ पे हैं? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में है, 6 लाख बिलियन है, ये मना कर दिया इसने भाई, हम पे है नहीं है, तुम अपना टैक्स वैक्स बढ़ाओ तो करो। ठीक है जी, कोई नहीं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो इसमें 190 देश हैं, एंडोरा इसका, एंडोरा इसका लास्ट का जो भी बना हुआ है वो है। ठीक है, 1944 में इसकी सम्मेलन हुआ, 1945 में ये कार्यभार में आया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अब संयुक्त राष्ट्र के, संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, अब मैं इसकी एक स्टोरी सुनाता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या हुआ था, सबसे पहले 1919 में, 1919 में एक बना था, एक ये तो हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ, एक राष्ट्र संघ बना था, राष्ट्र उसमें क्या था, एक राष्ट्र संघ बना था, उसका मतलब क्यों था? विश्व में शांति बनाने के लिए था, उसका स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी शायद, है ना, 1919 में हुई थी, या कब हुई थी मतलब उस टाइम पे हुई थी। पर जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध होने लगा ना, तो भाई अब प्रथम विश्व युद्ध हो गया, 1924 में खत्म हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, 1919 में चल के 1924 में खत्म हुआ। अब भाई भाई वो हो गया कि भाई प्रथम विश्व युद्ध भी हो रहा है, तो भाई इस संघ का क्या मतलब है? फिर वो संघ टूट के 1945, 24 अक्टूबर 1945 को एक संयुक्त राष्ट्र संघ बना, संयुक्त राष्ट्र संघ बना है ना, उसके अब उसके छह छह पार्ट है ना, तो उसके छह पार्ट में ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी आता है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दा हेग नीदरलैंड में, और उन सब के मुख्यालय कहाँ पे हैं? शायद जिनेवा में स्थित है ना, कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में स्थित है, उसको देख लेना कहाँ पे स्थित है कहाँ पे स्थित नहीं है, इसका अलग है, तो इसका याद रख लेना, क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त राष्ट्र न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, उसकी एक वो है कौन सा, एक 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 अंग है, उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र कुछ ऐसा नाम है, जो उसमें भारत अभी सदस्य बना है, जिसमें अगस्त अगस्त माह की भारत ने स्थायी सदस्य बनाया, उसकी अध्यक्षता किसने की है? भारत ने की है, अगस्त महीने की गई है। ठीक है, तो उसे उसे याद करना, उसे लिख लेना अपना। ठीक है, उसे और जैसे बता देंगे। ठीक है, वैश्विक
वित्तीय इसने इसका अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय वगैरह से लिख लेना, ये क्वेश्चन याद रख लेना। एशियाई विकास बैंक, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, क्वेश्चन है एक विकास बैंक का नहीं आता, क्वेश्चन आता है एशियाई डेवलप बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। अब मेरे क्वेश्चन आया था ये रेलवे में, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे, मनीला में स्थित है। तो अब मैंने अब एक एक क्या है, एक अभी सर बताता, न्यू डेवलप बैंक, न्यू डेवलप बैंक अभी कल ही बताया था, न्यू डेवलप बैंक ब्रिक्स की बैंक है वो, उसका मुख्यालय कहाँ है, चीन में। अब भाई रिवाइज नहीं करेंगे ना तो क्वेश्चन कंफ्यूज ऐसे हो जाएंगे, क्वेश्चन आएगा एशिया डेवलप बैंक। अब एशिया डेवलप बैंक आया, अब मुझे याद रखा है, हाँ डेवलप बैंक, डेवलप बैंक मैं लगाया चीन, और उसका आंसर क्या था, मनीला। भाई एशिया डेवलप बैंक आ जाए तो उसका आंसर क्या है, मनीला, एशिया में। अब जो न्यू डेवलप बैंक है उसका क्या है, चीन में, वो ब्रिक्स की बैंक है, ठीक है। तो इसे लिखना, आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता, जकार्ता में इंडोनेशिया में आसियान का मुख्यालय, 10 10 देश हैं इसमें, इंडिया सम्मिलित नहीं है, ठीक है। शंघाई सहयोग संगठन बीजिंग चाइना में है, 9 देश हैं, ईरान इसमें सम्मिलित किया गया है। शंघाई सहयोग में संगठन में ब्रह्मपुत्र, जो नेशनल राष्ट्रीय मार्ग जल 2 है ना, वो धुबरी सदिया, धुबरी से लेके सदिया तक है, ब्रह्मपुत्र नदी असम में स्थित है, ठीक है। टीकाकरण 100, ये भी कोई करंट है यार, ये वही है, 100 से ज्यादा किसने लगाए, भारत ने लगाए। अब इसी क्वेश्चन को गलत मत करने देना, ये क्वेश्चन है कि सबसे पहला कौन सा जिला है जो जिसमें सबको डोज लग गई है, ये किन्नौर, नाम नाम से रिलेट कर रिलेटेड करो, किन्नौर मतलब किन्नौर, किन्नर मतलब कोई कुछ बचा ही नहीं है वहां पे, तो वहां पे मतलब ऐसे याद रखना कि सब वो लग गया है, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, ये लिख लेना, यार क्या क्या लिखा है, इसकी राइटिंग भी सही नहीं है यार, ठीक है। और गांव की पूछे तो जम्मू कश्मीर में एक गांव है कोई, है ना, वहाँ पे सबके लगी है दवाई, ठीक है, इसे कर लेना, है ना। 16 जनवरी सभी प्रतियोगिताओं के लिए, अच्छा, टीकाकरण, टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, 16 11 अप्रैल, 14 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक। किसका जन्म था, एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन था 14 तारीख को, 11 तारीख को किसका जन्मदिन था, इसके उपलक्ष्य में टीका उत्सव मनाया जाता है ना, ठीक है। और कब चालू हुआ था इंडिया में, 16 जनवरी को चालू हुआ था, याद रख लेना। कभी कभी क्वेश्चन आता है जीएसटी कब लागू हुआ था, जीएसटी कब लागू हुआ था, तो जीएसटी कब लागू हुआ था यार, 2000, जीएसटी कब लागू हुआ था, 2017 में लागू हुआ था, है ना। तो 2017 डेट मुझे याद नहीं है, क्वेश्चन आता रहता है कि जीएसटी कब लागू हुआ था, नेट से देख लेना, लिख लेना, ठीक है जी। और कुछ नहीं, आज की करंट, आज कराएगा, 4 हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये आपको ये क्वेश्चन करने हैं आपको ना, है ना, ये यूपी एसएससी 2 बार एग्जाम था, ऑफलाइन हुआ था, 10 क्वेश्चन है। अब देखना तुम पे कितने क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन तुम आंसर लगाना, आंसर करना, ठीक है। तो देखो, पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली कौन सी प्रथम महिला है, ये तो मैं आता था नहीं आता था, अब नहीं लग रहा है। इसने 50 मीटर और 10 मीटर राइफल शूटिंग में, एक में स्वर्ण पदक जीता हुआ है और एक में कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, अब नहीं लग रहा है, याद रखना। ये क्वेश्चन आया है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आया है UP SSSC में, ठीक है। 10 ईयर दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाला प्रथम प्रोफेशनल गोल्फर कौन है, जीव मिल्खा सिंह है, इसको मिला है, संजय दत्त को भी मिला हुआ है अभी फिलहाल में, क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना, ठीक है। तो ब्रिक्स सम्मेलन की वर्चुअल अध्यक्षता किसने की, 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की नरेंद्र मोदी ने की थी, है ना, ये सर ने करवाया हुआ है। ब्रिक्स की 2021 में जहाँ भी कुछ भी होगा ना, वो ब्रिक्स की कौन करेगा, इंडिया करेगा, है ना, तो ये उसने करवाया है, ठीक है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, अब देखो कैसे क्वेश्चन आया, विश्व रोगी कोई नहीं कर सकता, जैसे दिवस भी पढ़ लिए, पर ये जैसे कोई डेली पढ़ रहा है ना, तो 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, इसे याद करना, 17 मतलब लिख लेना अपने। देखो ये स्क्रीनशॉट भी लगाया सर ने, पहला ही क्वेश्चन है 20 सितंबर का, 17 करवाया है, ठीक है। ये सुजलम सुजलम 100 दिवसीय अभियान किस मंत्रालय से किया है, ये जल शक्ति से रिलेटेड है, जैसे बीच में जल आ रहा है ना, जल शक्ति से रिलेटेड है, तो इसने किया हुआ है, इसे लिख लेना, ठीक
किस राज्य में राष्ट्रीय मार्ग IFF लैंडिंग सुविधा की गई है? राजस्थान में की गई है, बाड़मेर में। ये मैं इसके बारे में बोल देता हूँ, याद रहेगा। इसमें एक हाईवे है, हाईवे होता है ना, जब इमरजेंसी जैसे लैंडिंग होगी ना वहाँ पे, एयरक्राफ्ट के लिए इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है उस सड़क पे, बस आपातकालीन में उस सड़क पे लैंडिंग कर सकता है। वो कहाँ पे है? वो बाड़मेर में है, वहाँ पे कम साधन चलते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और उस हाईवे को ऐसे बनाया गया है कि वहाँ पे आपातकालीन लैंडिंग सुविधा हो सकती है। तो वो राजस्थान में स्थित है, बाड़मेर में, है ना ये, बार बार, ठीक है। बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया। बिजनेस ब्लास्टर क्या होता है कि जो 12वीं के बच्चे जो बिजनेस कर सकते हैं, वो किसने किया? ये दिल्ली दिल्ली में किया था, दिल्ली राज्य केंद्र शासित आ गया तो दिल्ली में किया था, ठीक है। देखो ये बिजनेस ब्लास्टर क्या किया था? दिल्ली में किया था। इसमें क्या था कि जो 10वीं 12वीं के बच्चे हैं ना, उनको 2-2 हज़ार रुपये देगी सरकार। और क्यों देगी? क्योंकि उनकी बिजनेस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी सोच को डेवलप करने के लिए, तो ये वहाँ पे किया गया था। तो डीएनए आधारित वैक्सीन कौन सी है? डीएनए आधारित वैक्सीन कौन सी है? जाए कोविड है ना। ये ट्रिपल क्वेश्चन आ जाएगा, ट्रिपल डोज वाली कौन सी वैक्सीन है? जाए कोविड डॉक्सीन है, जाए कोविड है ना वैक्सीन है, ये ट्रिपल डोज है। और ये डीएनए में, डीएनए से रिलेटेड है। अब पूछ लेगा कोविशील्ड किसके द्वारा बनाई जा रही है? कोविशील्ड किसके द्वारा बनाई जा रही है? इसी आए कोवैक्सीन किसके द्वारा? कोवैक्सीन किसके द्वारा? बायोटेक। कोवैक्सीन का कहाँ को कोविशील्ड कहाँ पे? भारत इंस्टीट्यूट क्या है उसका नाम यार? कोविशील्ड इनको याद है ना, कोविशील्ड कौन बना रहा है, कोवैक्सीन कौन बना रहा है, भारत बायोटेक कौन सी बना रहा है? मुझे कंफर्म ऐसे याद नहीं, भारत बायोटेक कौन बना रहा है, भारत बायोटेक कौन बना रहा है? एक का तो पुणे में है, एक का हैदराबाद में है, तो इनको कंफर्म करना। कोविशील्ड कौन बना रहा है और कोवैक्सीन कौन बना रहा है ना, तो इनको करना, ठीक है। भारत एशिया का सबसे लंबा द्रुत परीक्षण किसमें? मध्य प्रदेश इंदौर में, और इंदौर में भी नाम आ जाए पीथमपुर, है ना, इसे याद करना। 11.3 किलोमीटर है। एशिया का सबसे बड़ा लंबा गति परीक्षण नटारेक्स अनावर्तित हुआ है ना, मध्य प्रदेश में हुआ, ऐसे कर लेना। अब ये पीछे के हैं भाई, कल का जो 18 तारीख का वो है, उसका वो है अमित रस्तों की प्रबंधन कौन है? अनुसंधान के, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास के अमित रस्तों की है। ये आयुष वन किस में, आयुष वन किस किया? गुजरात में किया गया है, ठीक है। ये भूदान ग्रोव इजराइल इजराइल में बनाए गई है। जयशंकर ने किसकी याद में बनाया गया है? कौन गया था? कोई गया था वहां पे इजराइल में। ये याद कर लेना। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 71वां स्थान है इंडिया का, इतना पीछा हुआ है कि 71वां स्थान है कोई, है ना। चौथी महासभा की अध्यक्षता किसने की थी? आर के। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका कहाँ पे है? इसका पंचकुला में वो है, हरियाणा पंचकुला में इसका अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, और नहीं पंचकुला में, गुरुग्राम में, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है अंतरराष्ट्रीय सौर उसका, है ना। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ ये कल करवाया था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय बचपन बच्चों और किशोरों की मानसिक सुविधा जागृति करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से वो की गई है। ICC का मुख्यालय कहाँ पे है? ये दुबई में स्थित है, सईद अमीरात है ना, वहीं पे T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। भारत इसका वो था कि भारत करवाता है यहाँ पर कोविड की वजह से वहाँ पे करवा दिया गया है। क्रॉस एंट्री चैंपियनशिप भारत का कौन सा राज्य करेगा? नागालैंड करेगा, है ना, ठीक है जी। मर्सर ग्रोवर पेंशन इंडेक्स थाईलैंड आइसलैंड आइसलैंड में है। और ये कौन है? भवानी देवी। चोरविल राष्ट्रीय प्रतियोगिता किसने जीती? भवानी देवी। भवानी देवी किससे रिलेटेड है? तलवारबाजी। भवानी जो माँ चंडी का रूप ले लेती है भवानी देवी, तो वो तलवार से काटा पीटी करती है ना, तो ऐसे रिलेटेड रिलेट करके याद करके GK ऐसे याद होगी, ऐसे याद नहीं होगी कभी भी। तो जैसे तलवार से भवानी देवी, जैसे दिमाग में कोई भी साइकोलॉजी आ गई, हाँ भवानी देवी कौन है, तो भवानी माता, काली माता,
जिसमें तलवार वो काटा पीटी करेगी इधर उधर, तो भवानी देवी है ना, तो पूछ लेगा भवानी देवी किसे, अदिति अशोक किसे, गोल से चौथे नंबर पे रही थी है ना, अदिति अशोक, अदिति अशोक ठीक है ना। और एक 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 मोटी थी, मोटी सी का क्या नाम है, मोटी का क्या नाम है जो जो डिस्क फेंकती थी, डिस्क फेंकती थी, उसका नाम क्या था, कमलप्रीत कौर, कमलप्रीत कौर डिस्क फेंकती थी। तो ये चौथे, ये भी चौथे पांचवे नंबर पर ही है ना, पूछ लेगा कमलप्रीत किसे थी, मैरी कॉम किसे थी, बॉक्सिंग से थी, मैरी कॉम किसे थी, बॉक्सिंग से थी। एक लवलीना थी, लवलीना, लवलीना किसे थी, लवलीना भी बॉक्स, लवलीना थी, इसने कौन सा पदक जीता, लवलीना ने कांस्य पदक जीता, ये भी बॉक्सिंग से थी। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा किससे रिलेटेड थी है ना, मैं बोलता जा रहा हूँ लिख लेना और ध्यान से सुनना है ना। लवलीना से थी, और कौन से थी, वो कौन सा था, वो दैया, वो दैया, वो तो पहलवान था, वो रजत पदक जीता उसने ठीक है। और ठीक है, भाला फेंक, भाला फेंक कितने तारीख को मनाया जाता है, 7 तारीख को मनाया जाता है, 7 तारीख को जीता था उसने स्वर्ण पदक, 7 तारीख को उसका फाइनल था, क्या नाम था उसका, तो याद रखना स्वर्ण पदक ठीक है। फूल पत्ती का क्वेश्चन है ये, पर्यावरण संरक्षण पुलिन पुरस्कार किसने दिया, वाटर ब्रिलियो, लिख लेना। चलो ठीक है जी, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, ये क्वेश्चन है, ये हो गया तुम्हारा। ये 36 या 38 मिनट की वीडियो है, इसे आप अपने हिसाब से कर लेना, 1 घंटे में हो जाएगा, आपका टाइम बच गया। अब आपको कंफर्म ऑफलाइन जो भी नोट्स हो वो कंप्लीट करना है। मैं इस वजह से मैं अपना टाइम वेस्ट करके, टाइम वेस्ट तो नहीं, अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा है ना, तो इसे याद करना इन चीज़ों को, और अपना फोकस ऑफलाइन। अब मैथ का, अब ये नहीं 1 महीने से भाई 20 लेक्चर हैं, 20 लेक्चर में से 17 लेक्चर किए हैं, और फिर 2 दिन की छुट्टी सैटरडे संडे की, तो मतलब 1 महीना तुमने मैथ किया है, फिर भी अब 20-22 कुछ नंबर तो आने चाहिए ना पेपर में, तो मैथ करो, मैथ के तीन तीन चार चार टॉपिक, चार चार निकाल ही दो टॉपिकों को, वैसे तो अब 2 या 3 दिन में मैथ्स हो जानी चाहिए पूरी, तो इनको पूरा करो कंप्लीट ठीक है। ज्योग्राफी को कैसे भी करके संडे तक ख़त्म करो अपना है ना, रीजनिंग पढ़ो, अब तुम्हें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है यूट्यूब, यूट्यूब से है ना, अपना क्वेश्चन पेपर लगाओ करो फिर आगे देखो।